हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बदामी चालुक्यास के बारे में। तो देखिए, चालुक्य डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ रहे थे, राइट? और उसमें हमने पढ़ा कि इनकी तीन फॉर्म्स हैं या तीन टाइप्स हैं। कौन कौन से? बदामी चालुक्यास, वेंगी चालुक्यास एंड कल्याणी चालुक्यास, राइट? तो देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, किसकी कैपिटल कौन सी है, किसका डिक्लाइन कैसे हुआ और किसके फाउंडर कौन है, किसे ईस्टर्न चालुक्यास कहते हैं, वेस्टर्न चालुक्यास कहते हैं, वो एक इंट्रोडक्शन सा हमने पढ़ लिया है, राइट? तो आज हम इन डिटेल पढ़ेंगे चालुक्यास ऑफ बदामी या चालुक्यास ऑफ वतापी, एक ही बात है इनके बारे में, राइट? तो आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट कर दें। फर्स्ट आता है हमारा पॉइंट बिटवीन सिक्स एंड ट्वेल्थ सेंचुरीज, छठी से बारहवीं शताब्दी के बीच में इनका जो है शासन का टाइम था, रूल्ड ओवर। नाउ टाइम पीरियड पढ़ लिया, अब ये कौन से एरियाज़ पे रूल करते थे इंडिया में? सो दे रूल्ड ओवर दी वास्ट एरियाज़ ऑफ साउदर्न एंड सेंट्रल इंडिया। जो हमारा साउदर्न पार्ट है इंडिया का प्लस जो सेंट्रल इंडिया है, उन एरियाज़ में ये शासन करते थे, ठीक है? अब देखिए, जो ये हमारी डायनेस्टीज़ है ना, हम साउथ इंडिया की डायनेस्टीज़ पढ़ रहे हैं, राष्ट्रकूट हो गए, पल्लव हो गए, चालुक्य हो गए, तो इनके अगर आप डेप्थ में स्टडी करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं अपनी वीडियोज़ में इन शॉर्ट जो भी एग्ज़ाम के आप कह सकते हैं प्रस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, वही सब पढ़ाऊंगी, ठीक है? तो चलिए, फर्स्ट रूलर के बारे में जानते हैं, जो कि थे पुलाकेसिन वन। टाइम पीरियड लिखा है, बट टाइम पीरियड आपको ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो जयसिम्हा जो थे, फर्स्ट रूलर ऑफ पुलाकेसिन डायनेस्टी माने जाते हैं, ठीक है? जयसिम्हा के बेटे आए राणा रागा और उनके बेटे आए पुलाकेसिन वन। लेकिन जो पुलाकेसिन वन है, ये माने जाते हैं रियल फाउंडर ऑफ पुलाकेसिन डायनेस्टी, ठीक है? तो ये जो डायनेस्टी है, इसके रियल फाउंडर तो पुलाकेसिन वन माने जाते हैं, बट एक्चुअल में जो पहले रूलर थे वो थे जयसिम्हा, यानी कि इनके ग्रैंडफादर, ठीक है? अब चालुक्यास की कैपिटल की बात करें, तो अब हमने पढ़ा था कि इन्हें बदामी चालुक्यास क्यों कहते हैं, ये जो वेंगी चालुक्यास हैं उन्हें वेंगी चालुक्यास क्या क्यों कहते हैं, कल्याणी चालुक्यास को कल्याणी चालुक्यास क्यों कहते हैं। इनके जो कैपिटल है वो इनके नाम के साथ लगाई गई है, चालुक्यास ऑफ बदामी, मतलब इनकी कैपिटल थी बदामी में। तो बस वही चीज़ यहाँ पे है, वेंगी चालुक्यास की कैपिटल वेंगी, कल्याणी चालुक्यास की कैपिटल कल्याणी। तो बस वही चीज़ है कि कैपिटल थी इनकी बदामी, इसे वतापी भी कहते हैं, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। आज की डेट में बात करें तो जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, वहाँ पे ये लाई करती है, ठीक है? अब इसके बाद सेकेंड रूलर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हैं कीर्ति वर्मन फर्स्ट। टाइम पीरियड पढ़ लीजिए, बट याद करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अकॉर्डिंग टू पुलाकेसिन टू, इनके बाद पुलाकेसिन टू आते हैं, तो उनके एहोल इंस्क्रिप्शन मिली है जिसके हिसाब से कीर्ति वर्मन को डिस्क्राइब किया गया है एज द नाइट ऑफ द डूम। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी जो है यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है? कीर्ति वर्मन हो गया। अब हम पुलाकेसिन टू के बारे में पढ़ते हैं, तो पुलाकेसिन टू हमने इनके बारे में पहले भी पढ़ा है अगर आपको याद होगा, ठीक है? पल्लव किंग के साथ इनकी बैटल हुई थी, राइट? बट चलिए उसे भी छोड़ दीजिए, हर्षवर्धन के टाइम में भी हमने इन्हें पढ़ा था, हर्षवर्धन की लाइफ की इकलौती हार पुलाकेसिन टू ने उन्हें दी थी, है ना? तो बस जो वो पुलाकेसिन टू थे वो बदामी चालुक्यास के रूलर थे। नाउ इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, टाइम पीरियड यहाँ पे लिखा है। इसी के साथ वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो फर्स्ट पॉइंट है मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ बदामी चालुक्यास। जो बदामी चालुक्यास हैं इनके सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर थे पुलाकेसिन टू। इन्होंने ए होल इंस्क्रिप्शन जो है ये इशू की है, विच गिव्स द डिटेल्स ऑफ इज रियान। इस इंस्क्रिप्शन में जो ये शासन टाइम था इनका, जो टाइम पीरियड था जिसमें इन्होंने रूल किया, उसके बारे में डिटेल्स मिलती हैं। प्लस ये इंस्क्रिप्शन लिखी किसके द्वारा गई है, रिटन बाय हिज कोर्ट पोइट रवि कीर्ति। अब ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो एहोल इंस्क्रिप्शन है विच इज़ इशूड बाय पुलाकेसिन टू, किसने लिखी है? तो कोर्ट पोइट थे किसके, पुलाकेसिन टू के, नाम क्या था, रवि कीर्ति। नेक्स्ट पॉइंट आता है 19 लाइन संस्कृत इंस्क्रिप्शन। ये 19 लाइन आप समझते हैं, 19 लाइन से एक के बाद एक करके 19 लाइन्स की इंस्क्रिप्शन है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। कहाँ पे लिखी गई है, ऐसा थोड़े कोई कागज कोई टुकड़ा मिला है किसी मेटल का, उस पर ये इंस्क्रिप्शन मिली है। ये मेग्यूती जैन टेम्पल है एहोल कर्नाटका में, वहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन मिली है, ठीक है? नाउ पुलाकेसिन टू और किस चीज़ के लिए फेमस थे, ही वॉज फेमस फॉर डिफीटिंग हर्षा ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा।
बैटल हुई थी पुलाकेसिन टू एंड हर्षवर्धन, जो कि वर्धन डायनेस्टी के, पुष्यभूति डायनेस्टी के जो रूलर थे, फेमस रूलर हर्षवर्धन, जिनके हम कन्नौज असेंबली पढ़ते हैं, प्रयाग असेंबली, इनके बारे में हम काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना। तो इनकी जो हर्षवर्धन थे, इनकी लाइफ की इकलौती हार इन्हें पुलाकेसिन टू से मिली थी। कहाँ पे? ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो जब मैंने हर्षवर्धन पढ़ाया था वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इस चीज़ को, ठीक है। इसके बाद आता है टाइटल्स। पुलाकेसिन टू ने कौन कौन से टाइटल्स लिए थे? परमेश्वरा, पृथ्वी वल्लभा, सत्यश्राया, ठीक है, ये सारे टाइटल्स लिए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफीटेड पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन फर्स्ट। जो पल्लव रूलर थे, पल्लव शासक थे, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, उनको भी हराया था पुलाकेसिन टू ने लेटर। अब इनको किसने मारा? हर्षा को पुलाकेसिन टू ने हराया, महेंद्र वर्मन फर्स्ट को पुलाकेसिन टू ने हराया, बट जो पुलाकेसिन टू थे, ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय महेंद्र वर्मन सन नरसिम्हा वर्मन टू। तो जो नरसिम्हा वर्मन टू, ऑब्वियसली इनके बेटे थे, पल्लव किंग ही होंगे, कांचीन की कैपिटल थी। तो नरसिम्हा वर्मन वन ने, सॉरी वन है टू नहीं, इन्होंने पुलाकेसिन टू को हराया भी युद्ध में और मार भी दिया था। अब पुलाकेसिन टू के टाइम पे भी ह्यून सॉन्ग ने विजिट किया था। अब ऐसा नहीं कि वो बार बार इंडिया आए थे, हम बार बार पढ़ते हैं कि इसके टाइम में ह्यून सॉन्ग आया। ह्यून सॉन्ग जब इंडिया आए तो वो अलग अलग एरियाज में घूमे, तो जब साउथ इंडिया गए होंगे पुलाकेसिन टू शासक होंगे, इस तरह से था, ठीक है। चलिए, फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट, बट वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए, जो विंगी चालुक्यास हम पढ़ेंगे, कल्याणी चालुक्यास पढ़ेंगे, उनके बारे में नोट्स एक एक पेज के ही हैं, बट ये जो बदामी चालुक्यास, इसमें पुलाकेसिन टू आ गया, इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये थोड़ा सा वीडियो लंबा है। अभी हमें इसमें थोड़ा सा और पढ़ना है, देन हमारा वीडियो कंप्लीट। तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ साथ में नोट्स बनाएं, क्योंकि देखिए जो साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ है ना, ये आपको बुक में भी किसी ढंग की नहीं मिलेंगी। अब जैसे मेरे पास तमिलनाडु हिस्ट्री बुक है, तो वहाँ पे भी अच्छे से नहीं है, तो मैंने इनसाइट्स ऑन इंडिया एंड यूपीएससी फॉरएवर कुछ वेबसाइट्स हैं वहाँ से डेटा कलेक्ट किया है, प्लस मेरे पास कुछ अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं, उनके उन सबको मतलब मिलाकर मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ यहाँ पे थोड़ा ऑर्गेनाइज करके लिखने की कोशिश की। अदरवाइज आपको ऑर्गेनाइज फॉर्म में ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे क्लिक करें। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा, एंड देन आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। फाइन, अब चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट हमें जिस रूलर के बारे में पढ़ना है वो है विक्रमादित्य फर्स्ट। टाइम पीरियड है 655 से 680 AD। ही वॉज द थर्ड सन ऑफ पुलाकेसिन टू। पुलाकेसिन टू जो कि ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं बदामी चालुक्यास के, उनके तीसरे बेटे थे विक्रमादित्य फर्स्ट। नाउ आफ्टर हिज फादर्स डेथ कंसोलिडेटेड द चालुक्य किंगडम। अब जब पुलाकेसिन टू की डेथ हुई थी तो किंगडम थोड़ा मतलब वो इतना स्ट्रांग नहीं रहा था, तो उसको कंसोलिडेट किया फिर से विक्रमादित्य फर्स्ट ने विद द असिस्टेंस ऑफ हिज मेटरनल ग्रैंडफादर भूविकर्मा। अब मेटरनल ग्रैंडफादर आप समझ सकते हैं या तो नाना होंगे या मामा साइड के कोई और होंगे, ठीक है, एज पर्सन। सो भूविकर्मा जो है, इनकी हेल्प से इन्होंने कंसोलिडेट किया अपना किंगडम। देन ही पुट एन एंड टू पल्लवास 13-year कंट्रोल। अब हुआ क्या था कि पुलाकेसिन टू को हराया था पल्लव रूलर ने, महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने, हमने पढ़ा, ठीक है। तो वहाँ पे जो ये सारा एरिया था चालुक्यस का, यहाँ पे 13 साल तक पल्लव जो शासक थे उनका कंट्रोल रहा। तो वहाँ से फिर फ्री करवाया, वतापी को कैप्चर करवाया, चालुक्य किंगडम को फिर से कंसोलिडेट किया विक्रमादित्य फर्स्ट ने। मतलब इस डायनेस्टी में इनका भी काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है ना। देन ही डिफीटेड महेंद्र वर्मन टू। पल्लव किंग थे महेंद्र वर्मन टू, उनको भी हराया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कीर्ति वर्मन सेकेंड। तो जो विक्रमादित्य थे उनके बेटे थे कीर्ति वर्मन टू, राइट। राइजिंग पावर ऑफ राष्ट्रकूटाज एंड पांड्याज कॉज्ड ट्रबल। अब राष्ट्रकूट थे, पांड्याज हम पढ़ते हैं, ठीक है, चोला पांड्य चेरा पढ़े ना, उनकी बात हो रही है। तो इनकी जो पावर थी उस टाइम पे बढ़ रही थी आसपास, तो कीर्ति वर्मन को काफ़ी इशू हो गया था। बट बाद में क्या होता है, 753 AD में इनको मारकर इनसे लड़के नेक्स्ट डायनेस्टी जो है दांती दुर्ग राष्ट्रकूट डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करते हैं। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैपिटल हम पढ़ चुके हैं, फाउंडर हम पढ़ चुके हैं, उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, तो आप वो वीडियो अब देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है, ठीक है। चलिए, तो हमारा सेकंड पेज भी हो गया कंप्लीट। इसी के साथ हमारी बदामी चालुक्यस डायनेस्टी, या फिर आपके लिए चालुक्यस ऑफ वतापी, हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियोस में हमें काफ़ी कुछ पढ़ना है, वेंगी चालुक्यस पढ़ना है, कल्याणी चालुक्यस पढ़ना है, एंड देन हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे।
प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, राइट। एंड अगर आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है नोट्स परचेज करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।